कौन खाएगा? इसको मत लो, ये गाय को डाल दो तुम। एवरीवन, फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे एकदम स्वस्थ मस्त हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एक्सरसाइज वगैरह एकदम कंप्लीट करके और एकदम मैं आ गई। अभी थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है ना, ज़्यादा कर लिया आज मैंने। मैं देखने आई थी गाय, गाय के लिए रोटी रखी है बहुत सारी हमारे पास। 3-4 दिन हो गए लगातार, मैं भूल जाती हूँ डेली लाने के लिए। मैं सोचती हूँ शाम को दे दूँगी, सुबह दे दूँगी, ऐसे ही करती रहती हूँ। आज 3रा दिन है रोटी रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ गाय को दे दूँ। यहाँ छत पे इतनी रोटियाँ नहीं डालेंगे, कम से कम 6-7 रोटियाँ हैं तो छत पे डालेंगे तो बेकार, पता नहीं गिलहरी खाने आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं देख रही हूँ इधर गाय मिल जाए तो गाय को खिला दूँगी नीचे जाके। और थोड़ा सा चलने के लिए यहाँ पर मुझे गाय देखना है। गाय गाय तो कहीं नहीं दिख रही है, और कभी कभी तो इतनी गाय आ जाती हैं, ढेर सारी। अभी नहीं है, कोई गाय नहीं है यहाँ पर। मेरे को थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ेगा, इधर से देखती हूँ अगर होगा तो सही है, नहीं होगा तो फिर हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, नहीं तो फिर हम रोटी लेके आएंगे यहाँ पे डाल देंगे। गिलहरी भी नहीं दिख रही है, मैंने कपड़े भी सुबह सुबह धुले ही नहीं है इधर। डेली सुबह सुबह नहाया करूँगी, क्योंकि दोपहर में नहाती है तो बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है, और मतलब कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ, फ्री भी नहीं रह पाती हूँ। तो चलते हैं अभी, शायद फिलहाल में रोटी की तो कोई व्यवस्था नहीं बनी है, तो चलते हैं कुछ लेने के लिए। अभी खाने पीने के लिए कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं सोचते हैं कुछ दुकान से दूध लेके आए और फिर कुछ बनाएं। अभी कुछ बनाया भी नहीं, दलिया लिया बनाएंगे, क्योंकि रोटी तो नहीं बनाएंगे, अभी ठीक नहीं हुआ पूरा कंप्लीट। देखो क्या बताता है, फिर चल चेंज करेंगे उसके बाद जाएंगे। बोला गाय नहीं है तो ऐसे ही रख दे छत पर, कोई ना कोई ले जाएगा। तो मैंने कहा चलो भाई रख देंगे छत पर, चल के चलते हैं, काश मैं जल्दी आ जाती। ऐसे रख देंगे, ऐसे करके चेंज कर लिए, वो सही नहीं लग रही थी, काफ़ी दूर तक जाना है ना सब्जी लेने, इसलिए हैं। अभी मेरे हाथ पता कितने कुल्ले रुपए पास इतने हैं, पे कर दूंगी, पे हो जाएगा। तो क्या लेके आऊँ ये तो बता दे, पर्स में से ले लें। पर्स में से पैसे नहीं, फ़ोन चार्जिंग पे लगा दूँ। देखो इतना भी नहीं कर पा रहा है यार, फोन चार्जिंग पे लगा ले। हट सही तो लेट से नीचे तक आ रहा है, ये हेलमेट लगा के लेट रहा है क्या? तो एक बार बता क्या क्या लेके आना है। कुछ भी ले आ, कुछ भी जैसे जो भी सारी सब्जी सही लगे ले, और ना सही लगे तो मत ले के। चल ठीक है, भूख लग रही होगी तुझे बहुत तेज, जा रही हूँ मैं, जो मुझे सही लगेगा वही लेके आऊंगी, बोल दिया ना, जो तुझे सही लगे वही लेके आना। तो देखती हूँ क्या क्या खाने में आएगा। लेट ज़्यादा हो गई, 11 बजने वाले हैं, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और मैं ऐसे ही मस्ती कर रही थी, मैं सोच रही थी ये जाएगा, फिर ये बोला नहीं आज तक, आज नहीं जाएंगे, आज मतलब 3-4 दिन तक अंदर रहना है। तो चलो अभी सब काम करना पड़ रहा है, इसकी वजह से ठीक हो जाए जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद तो यही करता है ना, मैं नहीं करती। ढूंढ रहे थे वही मिल गई, देखो गाय गाय दिखाई दे रही। अरे इनके कानों में क्या लगा हुआ है, कोई मार न दे। इतना तेज धूप हो रहा है इस गली में, कोई नहीं दिखाई दे रहा, एकदम ऐसा लग रहा है मई जून की धूप हो रही है, उसी तरह से धूप निकली हुई है आज, एकदम चमचमाने। खुली भी हो सकती है दुकानें, बंद भी हो सकती है, अभी कुछ पता भी नहीं है, लेकिन जा रहे हैं हम फिलहाल में, अभी तो पहुँचते हैं। ढंग के रखता हूँ, पानी डालता हूँ, बोली डाल के, तो खराब हो जाएगा मेरा। पे करूँगी, ये सूखा 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 है, ये कौन खाएगा? इसको मत लो, ये गाय को डाल दो तुम। ये वाला लो, कौन सा वाला? नहीं ये नहीं ले जाएंगे, नहीं लोगे? नहीं, रुको मैं बंदोबस्त करता हूँ आपके लिए। कहाँ से? दुकान का मालिक, वो दुकान का मालिक जो। अच्छा अच्छा, तो जितना लिए वो उसका कर लो पे, 30 रुपए हो गए ना, देखो 15-15-30। बोरे में बंद करके सब्जी रखी हुई थी, और सब्जी अभी आई नहीं थी, तो कहाँ से बेचारे देते, तो बोल रहे थे 12 बजे के बाद आती है। तो मंडी में तो सुबह सुबह सब्जी मिलती है, यहाँ 12 बजे के बाद सब्जी आती है, दूर से कहीं से आती होगी। तो जैसी मिली वैसी ले आए, बहुत सारी शॉपिंग कराए, थोड़ा सामान लेने गए थे लेकिन बहुत सारा ले आए। हाँ ज़्यादातर फेंक ही देते हैं, सामान लेके आई तेरे लिए, जल्दी उठ जल्दी उठ। क्या खाएगा पता? देख भाई सब्जी तो मिली नहीं, सूखी सूखी सब्जी थी सारी, लौकी तो ऐसी थी जैसे गाय खाती है ना वैसे रखे हुए थे। बोल रहे थे 12 बजे के बाद आई है ताजी सब्जी, ये लाए तो आई हूँ तेरे लिए, ले बहुत सारे सामान लेके आई, दूध लाई, तुझे जो खाना हो तो खा ले जा। तो पपीता लाई, ये वाले, ये इसको मैगी बनाएंगे अभी। मैगी नहीं खाएगा? नहीं। क्यों नहीं डालेंगे तो उसमें? मैगी नहीं खाओगे तो फिर क्या बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा मेरे कुछ। ये कितने का दिया तुझे खाने से मतलब है? तू खा,
ये मत पूछ कितने का दिया, तू मुझे भी तो बोलता है तुझे खाने से मतलब तू खा, तो मैं तुझे बोल रही हूँ तुझे खाने से मतलब तो तू खा। नहीं चल पा रहा था कि भूख लगी है, लगेगी तो मुंह बंद चलेगा। अच्छा भूख लगेगी तो मुंह बंद रहेगा तेरा, क्या काम बिगाड़ा। सही कौन सा कर दिया, दूध के पॉलीथिन को सब फाड़ते ही है तो अलग हो जाता है, उस पर भी डांटता है, इसको अलग क्यों किया, इसको उसी में लगा रहने दे। मतलब समझाना भी डांटना, तुम्हारे अंदर तो डेफिनेशन भी पता नहीं है, किसी बताओ तो उसे डांटना कहते हैं। समझाना एकदम प्यार से समझाया जाता है। वाह वाह, तुम तो बिल्कुल लोगे प्यार से बच्ची बताई है। हम तेरे लिए तो छोटे ही है ना, छोटी बच्ची हो क्या। हाँ ये वाला दूध है ना जो तेरे से फैल गया निकल गया जो भी हुआ, अगर मेरे से निकल जाता ना तो कम से कम 50 बार बोलता मेरे को। अगर अपनों से गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दूसरे से गलती हो जाए तो बोल मुंह खोल। मुंह में तो बिस्कुट भर लिया, कहाँ से खोलेगा, अब इसका मुंह नहीं चलेगा, बंद हो गया। इसको ऐसा गुस्सा आता बाल पकड़ के हिला लो, जिस दिन से बीमार हुआ ना उस दिन से पीट नहीं पा रही हो। ये मेरे को पीट लेता लेकिन मैं नहीं इसको पीट पा रही हूँ। कितना खुश हो रहा है, क्या खा रहा है दूध, कितना अरे जल गया क्या है, मोटी को देख के जल गया। ये कह रहा है मोटी को देख के जल गया, कौन जल गया मोटी को देख के, दूध। चावल खा लेती हो तो ये मुंह पता नहीं क्यों सूज जाता, समझ में ही नहीं आता है। और ये सुबह उठ के बोलेगा मोटी मोटी मोटी, मेरा नाम रख दिया मोटी। तो कंडीशन है जो कंडीशन, क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है मेरी। उसने बज गया एक, अभी तक हमारा काम नहीं हुआ कंप्लीट, और अभी तक मैंने कुछ खाया ही नहीं, बस एक बिस्कुट खा लिया। अब मैं बना भर रही है, मतलब वो रख दी मैंने गैस। क्या हुआ क्या, कपड़े डालने जा रहा था और पहले तू मांग काटने लगा, बाल खराब हो जाएंगे, इसको ऐसे करके पीट लेती थी। अब दिख नहीं रहा ना, पीट रही है अभी, कंगी है ना, खोपड़ी सीधी लगेगी।